तो भाई नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, साथ ही साथ गर्मी भी बहुत है, तो मैं लेके आई हूँ आज नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रहने वाले लोगों के लिए दो शानदार एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी, जिसको पी करके आप चुस्त और तंदुरुस्त फील करेंगे, साथ ही साथ डिहाइड्रेशन से भी दूर रहेंगे। तो रेसिपी को इन तक जरूर से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिकू की पाठशाला और हम बना रहे हैं आज दो तरह की हेल्दी एनर्जी ड्रिंक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं वाटरमेलन जूस। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे वाटरमेलन, तरबूज, इसके पीसेस मैंने कट कर लिए हैं और इसके बीज जो है जितना हो सके मैंने निकाल लिया है, तो इनको मैंने मिक्सर जार में डाल दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना के पत्ते। तो पुदीना के पत्ते जो हैं मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अगर फ्रेश पुदीना के पत्ते रहेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है, तो कोशिश करिए कि फ्रेश पुदीना के पत्ते ही यूज़ करें। पुदीना के पत्ते डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चीनी। वाटरमेलन तो वैसे अपने आप में मीठा होता है, पर इसमें थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच चीनी ऐड किया है। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं नींबू का रस, तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सेंधा नमक, ये व्रत का नमक है, तो इसको मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूंगी। आप चाहे तो सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल डेज के लिए बना रहे हैं तो। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर की जगह आप काली मिर्च का पाउडर, जो ब्लैक पेपर पाउडर होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जीरा जो है व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेपर पाउडर जो है व्रत में खा सकते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अभी मैं इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान लूँगी, ताकि अगर कुछ पार्टिकल्स रह गए हो, कुछ ग्राइंड ना हुआ हो, तो ये स्ट्रेनर में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है वो स्ट्रेनर के ऊपर आ गया है और हमारा जूस जो है बनके रेडी हो चुका है। तो अभी मैं एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए, हमारा वाटरमेलन जूस बनके रेडी हो चुका है। आप इसमें बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, इसलिए मैंने आइस का यूज़ नहीं किया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा जीरा स्प्रिंकल कर देंगे। तो चलिए अब हम दूसरा जूस बनाते हैं। उसके लिए मैंने मिक्सर जार लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 खीरा। इसको हमने अच्छे से काट लिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना के पत्ते। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, इसको पीने के बाद आप एनर्जेटिक फील करेंगे और डिहाइड्रेशन से दूर रहेंगे। पुदीना के पत्ते डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। तो लगभग 3 चम्मच नींबू का रस था ये। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। फिर से वही व्रत वाला नमक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर नवरात्रि के लिए बना रही हूँ ये फास्ट में, ताकि हम इसको फास्ट में पी सकें। फिर मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। पहले भी मैंने बताया है, आप इसको स्किप करके काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड करने के बाद जो है हम इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी ये भी अच्छे से ग्राइंड हो गया है, तो मैं इसको भी छान लेती हूँ। और आप देख सकते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल है वो स्ट्रेनर के अंदर आ गया है। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा, आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आने वाली है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे आप फास्ट में पिए, चाहे नॉर्मल डेज में पिए, ये हेल्दी भी है और साथ ही साथ टेस्टी भी है। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा। तो लीजिए, बनके तैयार हो गया है हमारा दोनों रिफ्रेशिंग जूस, कुकम्बर मिंट लेमोनेड एंड वाटरमेलन जूस। होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।